अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो सब लोग अपनी इंग्लिश की सेकेंड टर्म की बुक निकालो एलकेजी वाले, और पेज नंबर निकालो 12। आज हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट है, राइट बच्चों? तो चलो पेज नंबर 12 पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे देखो। आई फॉर आइसक्रीम, क्या दिया है बच्चों? आई फॉर आइसक्रीम। तो हम लोग कर्सिव में आई किस तरह से लिखते हैं हम सीखेंगे यहाँ पे। उससे पहले कि हम लोग को आई फॉर आइसक्रीम यहाँ पे जो दिया है उस पर आपको कलर भी फिल करना है, ठीक है? कलर इन इट। चलो अभी यहाँ पे देखो किस तरह से आई फॉर आइसक्रीम कर्सिव में लिखना है। देखो इस तरह से आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, इस तरह से आपको आई फॉर आइसक्रीम लिखना है, ठीक है बच्चों? आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, ठीक है? आपको क्या लिखना है? आई फॉर आइसक्रीम लिखना है। क्या लिखना है? आई फॉर आइसक्रीम, 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 ठीक है? ये आपको पेज नंबर 12 पे क्लास वर्क है, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? फिर पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पे भी आपको सेम आई फॉर आइसक्रीम कंप्लीट करना है। पेज नंबर 12, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पे भी आई फॉर आइसक्रीम क्लास वर्क ही है। फिर ना पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पे भी आई फॉर आइसक्रीम ये जो है ये आपको होमवर्क करना है। क्या करना है बच्चों? होमवर्क करना है, ठीक है? समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 आपका क्लास वर्क है, और पेज नंबर 14 ये आपका होमवर्क है। ओके, समझ में आया? अल्लाह हाफिज़।